उज्जैन शहर में निवास करने वाले वृद्ध परेशान, नहीं हो पा रहा उपचार किसी भी बीमारी का, तो कहीं नहीं मिल रही है पेंशन। उज्जैन के नगर पालिका निगम क्षेत्र में निवास करने वाले कई वृद्धजनों को परेशानी और समस्या से जूझते हुए देखा जा सकता है। कई वृद्ध कई प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। इनके शरीर पर जख्म और बीमारी का दर्द देखा जा सकता है। बुढ़ापे के दौरान दर्द और बीमारी से तड़पते परेशान होते इनको मुख्य रोड खुले आसमान के नीचे देखा जा सकता है। पर उज्जैन नगर पालिका निगम की भारी लापरवाही है कि ना तो एक वृद्ध के स्वास्थ्य के लिए कोई उपचार की व्यवस्था की जा रही है, ना ही राज्य सरकार के द्वारा मिलने वाली सुविधा के तहत पेंशन मिल पा रही है। यह वृद्ध परेशान हो रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। है ना गिरमा जाना था। खबर बना हुआ है न्यूज़ कहाँ पे चैनल पे शहर के अंदर वृद्ध हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, साथ ही उनका उपचार नहीं हो पा रहा है। अब कांग्रेस किस प्रकार से विपक्ष में रहकर इस मामले को उठाएगी और किस प्रकार से क्या रहेगा? आपको विगत दिनों में याद है इंदौर में भी नगर निगम द्वारा कुछ वृद्धाओं को बाहर सीमा के बाहर छोड़ा गया था। वैसे ही उज्जैन में भी कलेक्टर महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि आप जो भी वृद्ध हैं, जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जो सड़कों पर निवास कर रहे हैं, सड़कों पर रह रहे हैं, ऐसे लोगों की पेंशन चालू करें, उनके आयुष्मान कार्ड बनाएं, उनका राशन कार्ड बनाएं। और आप अगर नहीं करते हैं तो यूथ कांग्रेस इसको आंदोलन के तौर पर आपको सचेत करेगी, और आप फिर भी नहीं सुनेंगे तो इस पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ रहती हैं? है अफरोज भी। ये कौन सा मोहल्ला है? न्यू हरी पाठक रोड। अच्छा हाँ, ये जो बाबूजी हैं इनका क्या नाम है? अब्दुल गफूर। पहले क्या काम करते थे ये? पहले सिलावट का काम करते थे। अच्छा, मेहनत मजदूरी करते थे? हाँ, मेहनत मजदूरी करते। अच्छा थे। अब तो काम इनसे बनता ही नहीं होगा? नहीं बनता है, तो बेरोजगार इनके तो कोई। हाँ, तो आप कुछ कार्य, उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। उम्र काफ़ी हो चुकी है। अच्छा, इनको जो वृद्धा पेंशन मिलती है वो पेंशन वगैरह मिल नहीं रही क्या? नहीं, बहुत दिन से रुकी हुई, 8-9 महीने हो गए रुकी हुई है। 8-9 महीने से मिली नहीं। अच्छा, ये बताइए शासन के द्वारा गरीबों के लिए जो कार्ड बनाए जाते हैं वो नहीं बने हुए ताकि उपचार हो सके? इनके पैर में जो लगी हुई है तो इनको उपचार वगैरह भी नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं हुआ। अच्छा, आपने बताया नहीं कि पेंशन नहीं मिल रही अधिकारियों को या नगर पालिका या अधिकारियों को? बताया नहीं आपने? बताया था? नहीं मिल रही है, बताया ही नहीं, कोई आया ही नहीं अभी तक कोई पूछने वास्ते। इनका तो कोई करने वाला थोड़ी, हम तो बैठी हैं, हमारे घर चले जाते हैं और बाहर रहती हूँ मैं, तो बाहर से आई हुई हूँ। बाकी तक अभी नगर पालिका से पेंशन, जो शासकीय पेंशन, वो नहीं मिल रही? हाँ, कुछ भी नहीं आ रही। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।